हेलो, वेलकम टू द सुपर प्रॉप्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस पर बेस्ड क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स। स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इफ समझते हैं, ये जो सिंबल आपके सामने आया इसको हम रीड करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लिखते हैं ऐसे भी, वेयर दिस डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, that is the greatest integer function, then x belongs to what, yani x kin intervals mein fall karta hai unko find karna hai, ya isko aisa bhi likh sakte hain, then find the intervals for x, x के लिए क्या intervals होंगे उसे आपने find out करना है जी। आइए solution करते हैं। simple quadratic equation type है ये। चलिए आप ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को अभी थोड़ी देर के लिए टी सपोज कर लेते हैं, या ऐसे भी चलने देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है जी हमारे पास। तो इक्वेशन आपके पास आया टी स्क्वायर माइनस फाइव टी प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, टी माइनस थ्री, टी माइनस टू, टी इक्वल्स थ्री, टी इक्वल्स टू। अब टी का मतलब वही ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, फिर वही ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो आपके पास क्या आया कि एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर थ्री आ रहा है। अब थ्री ग्रेटेस्ट इंटीजर कब आता है जी, जब एक्स का वैल्यू थ्री हो या थ्री से बड़ा हो लेकिन फोर से कम हो। तो किस तरह से लिखते हैं जी उसे, हम उसे हम लिखते हैं x belongs to 3 होगा, greatest integer 3 आएगा, 4 से कुछ less होगा तो 4 को include मत कीजिए जी, तो less than 4 आपके पास आ गया जी, एक interval तो आपके पास ही आ गया जी। अब आइए जी x का greatest integer 2, तो इस situation में x का value 2 होगा या 3 से less होगा, करेक्ट। तो अब बताइए जी क्या इंटरवल आपके पास आ गया जी, आपने देखा टू या थ्री इंक्लूड हो गया फोर तक जी, तो आपने बोला कि इंटरवल जो इंक्लूड होगा आपके पास, सो एक्स बिलोंग्स टू टू थ्री यूनियन, या थ्री इंक्लूड हो गया फोर एक्सक्लूड हो गया, तो इनका यूनियन करके आपके पास जो आया वाया फ्रॉम टू टू फोर, बट द फोर शुड बी एक्सक्लूडेड, फोर को कंसीडर नहीं करना है जी हमने। इज इट फाइन, राइट। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। नाउ आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, उसमें रेंज की बात करते हैं। डोमेन और रेंज हमने सीखा था, रेंज को सीखते हैं यहां पर। रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू वन ओवर वन माइनस टू कोस एक्स,
वन ओवर वन माइनस टू कोस एक्स। तो बताइए जी रेंज, अब रेंज क्या होती है? डोमेन तो होती है जी एक्स की वैल्यू और रेंज होती है वाई की वैल्यू, यानी एक्स की वैल्यू विद इन द डोमेन पुट करने पर आपके पास जो वाई की वैल्यूज आती रहती हैं उन्हें हम रेंज बोला करते हैं जी। तो देखिए जी हमारे पास क्या है जी, सॉल्यूशन हमने किया वाई इक्वल टू वन ओवर वन माइनस टू कोस एक्स, वन ओवर वन माइनस टू कोस एक्स। तो आइए जी इसे लेकर के चलते हैं, वी स्टार्ट विद रेसिप्रोकल, अगर मैं इसका कर दूं तो ये वन ओवर वाई आ जाएगा, वन माइनस टू कोस एक्स आपके पास आ गया जी, यानी आपके पास आ गया दिस टू कोस एक्स, इसे इधर ले आइए, वन माइनस वन ओवर वाई, दिस इज टू कोस एक्स। चलो जी इसको अभी यहीं रोक लेते हैं, अब डिस्कस करते हैं इस टू कोस एक्स के बारे में। कोस एक्स के बारे में आपको मालूम है कि उसकी वैल्यू तो माइनस वन और प्लस वन के बीच में एग्जिस्ट करती है कोस एक्स का, लेकिन ये तो टू कोस एक्स है इसलिए आपने क्या किया, टू से मल्टीप्लाई कर दिया। द वैल्यू ऑफ टू कोस एक्स लाइज बिटवीन माइनस टू एंड प्लस टू। अब टू कोस एक्स किसके इक्वल है, उसका वैल्यू पुट कर दीजिए, वन माइनस वन ओवर वाई लेस देन टू। अब इससे वाई की वैल्यू हम लोग अगर निकाल लें तो समझिए वो हमारी रेंज आ जाएगी जी। तो माइनस टू माइनस वन कर लो यहां से, कितना हो गया जी आपके पास, हो गया माइनस थ्री माइनस थ्री लेस देन माइनस वन ओवर वाई। अब इससे दो ऑप्शन निकल आए जी, एक ऑप्शन आया नेगेटिव थ्री लेस देन माइनस वन ओवर वाई, या कह दीजिए y का वैल्यू अगर आप इसका रिवर्स कर लेते हैं, तो रिवर्स जब इसका करते हैं रेसिप्रोकल करते हैं तो रेसिप्रोकल से जो चीज ग्रेटर होती है वो लेस हो जाती है और जो लेस होता है वो ग्रेटर हो जाता है। तो दिस इज माइनस वन ओवर थ्री ग्रेटर देन माइनस वाई। अभी साइन चेंज नहीं किया जी हमने, अभी केवल रेसिप्रोकल करना सीखा जी। अब अगर हम इसके साइन चेंज कर दें तो आपके पास आ जाएगा वन ओवर थ्री लेस देन y, इसका मतलब y का वैल्यू 1 ओवर 3 से ग्रेटर हो गया जी, y इज ग्रेटर देन 1 ओवर 3, इज इट फाइन। सेकेंड थिंग यहां पर आइए, दूसरा पार्ट भी था जी यहां, माइनस वन ओवर y लेस देन इक्वल टू 1। अब दोनों तरफ को रेसिप्रोकल करो जी, आप रेसिप्रोकल करेंगे तो ये नेगेटिव y इज ग्रेटर देन वन, साइन चेंज नहीं किया अभी हमने, नेगेटिव वाई इज ग्रेटर देन वन, लेकिन अगर साइन चेंज करेंगे तो वाई इज लेस देन माइनस वन। अब देखें आपके पास दिस इज माइनस वन, दिस इज वन ओवर थ्री, वन ओवर थ्री से ग्रेटर है जी इंफिनिटी तक, और माइनस वन से लेस है नेगेटिव इंफिनिटी तक, यानी माइनस वन और वन ओवर थ्री के बीच की वैल्यूज आपको कंसीडर नहीं करना है जी। तो क्या लिखना पसंद करेंगे जी आप, लिखना पसंद करेंगे नेगेटिव इंफिनिटी, नेगेटिव इंफिनिटी जो होता है वो एक क्लोज नहीं डालते हैं उसे, नेगेटिव इंफिनिटी टू माइनस वन, माइनस वन पर क्लोज कर दीजिए जी, माइनस वन भी इंक्लूड होगा जी इसमें जी, करेक्ट। एंड देन यूनियन वन बाय थ्री टू पॉजिटिव इंफिनिटी। तो दिस इज द इंटरवल, या दीज आर द इंटरवल्स, दो इंटरवल्स हो गए, एक आपके पास सेक्शन ये है दिस पार्ट, एक सेक्शन आपके पास ये है, और इनके बीच वाला जो पार्ट है दैट शुड नॉट बी कंसीडर्ड, उसको हमको नहीं लेना है जी, आसान सी बात है जी, करेक्ट। ये क्वेश्चन सेकंड था शायद है, हाँ दैट वाज द सेकंड।
और प्रॉब्लम्स करते हैं। डोमेन पूछा जा रहा है जी अब इस क्वेश्चन में हमसे, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड ए इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, ए इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। बहुत आसान सी बात है जी, यहां तो आपने देखा ये स्क्वायर रूट फंक्शन है आपके पास, और स्क्वायर रूट फंक्शन में रूट के अंदर जो वैल्यू लिखा है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए जी। तो डोमेन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दिस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो भी चलेगा, जीरो आ जाए कोई बात नहीं, रूट हो सकता है उसका, पॉजिटिव वैल्यू हो रूट हो सकता है, नेगेटिव नहीं चाहिए जी हमें। ऑल राइट, अब एक्स स्क्वायर को ट्रांसफर कर लीजिए उधर, ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर से लेस है, जिसका मतलब हुआ एक्स लाइज बिटवीन माइनस ए टू प्लस ए, एक्स का वैल्यू माइनस ए और प्लस ए के बीच में होना चाहिए जी। और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ठीक, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बोला, लेट आर, एक ऑर्डर्ड पेयर आपको गिवन है, ऑर्डर्ड पेयर की टर्म में एक सेट गिवन है 4 5 1 4 4 6 7 6 3 7, फाइंड आर इनवर्स ओ आर, आर इनवर्स ओ आर, ओ मीन द बाइनरी ऑपरेशन। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट आर इनवर्स, अब आर अगर आपके पास है, आर का इनवर्स आपको लिखना है तो ऑर्डर्ड पेयर को रिवर्स कर लीजिए, जहां एक्स है वहां वाई कर लीजिए और जहां वाई है वहां एक्स कर लीजिए, दैट इज 5 4 4 1 6 4 6 7 3 7 दैट इज आर इनवर्स। अब क्वेश्चन आपसे पूछा आर इनवर्स ओ आर, देखिए जी 4 5 बिलोंग करता है आर से, 4 5 आर से, 5 4 आर इनवर्स से, एंड 5 4 बिलोंग्स टू आर इनवर्स, तो 4 5 5 4 दिस इंप्लाइज दैट 4 4 बिलोंग्स टू आर इनवर्स ओ आर, 4 5 बिलोंग्स टू दैट, 5 4 बिलोंग्स टू आर इनवर्स, इट मीन 4 4 बिलोंग्स टू आर इनवर्स ओ आर। सेकेंड देखते हैं 1 4 बिलोंग्स टू आर एंड 4 1 बिलोंग्स टू आर इनवर्स, जिसका मीनिंग हुआ कि 1 1 बिलोंग्स टू राइट। थर्ड थिंग आती है हमारे पास 4 6 एंड 6 4, हम 4 6 एंड 6 4, इससे भी 4 4 आ जाएगा जी आपके पास, तो इसको रिपीट करने की आपको आवश्यकता नहीं है जी। नेक्स्ट थिंग 7 6 बिलोंग्स टू आर एंड 6 7 बिलोंग्स टू आर इनवर्स, इंप्लाइज 7 7 बिलोंग्स टू आर इनवर्स ओ आर। नेक्स्ट आता है हमारे पास 3 7, 3 7 हेयर एंड 7 3 हेयर,
इट मीन 3 3, मैं यहां 3 3 लिख रहा हूं जी, केवल करेक्ट। इसके बाद हमारे पास आता है 4 6 एंड 6 7। देखिए 4 6 बिलोंग्स टू दिस एंड 6 7, सिक्स ये देखिए ये कॉमन आ गया, तो 4 7 आपके पास आ जाएगा। 4 7 बिलोंग्स टू आर इनवर्स ओ आर, ऐसा ही 7 6 आपके पास है, और 7 3 7 6 बिलोंग्स टू दैट एंड 6 7, सॉरी 7 6 बिलोंग्स टू दिस एंड 6 4, 6 4 इज ऑल्सो देयर, 7 6 एंड 6 4, तो आपके पास क्या आ जाएगा 7 4 बिलोंग्स टू आर इनवर्स ओ आर। तो कौन कौन से मेंबर जब आपको लेने, दिस वन दिस वन दिस वन, नहीं सॉरी नॉट दिस वन, दिस वन दिस वन दिस वन एंड 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 एलिमेंट्स आर देयर विच बिलोंग्स टू आर इनवर्स ओ आर। तो ये आपके पास आ गए, ये रिपीटेड एलिमेंट है, इसको आपको लेफ्ट आउट कर लेना। यानी ऑल द पॉसिबिलिटीज जिसमें कॉमन आपके पास एक चीज बन रही है, उन सबको आपको कंसीडर करना है जी, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5th, इफ एफ एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स इन टू वाई। अब यहां तो देख रहे हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई के टर्म में फंक्शन आपको गिवन है और वो एक्स इन टू वाई के इक्वल है। आपको बोला प्रूव दैट एफ एक्स वाई, एक्स वाई का मतलब है कि आपके पास यहां और यहां एक सिंगल टर्म हो जाए। तो अगर इस टाइप से अगर आप इन्हें कन्वर्ट कर लें तो कहता है जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 के इक्वल आ जाएगा। ऐसा आप प्रूव करके बताइए जी, आइए देखते हैं। वी हैव एफ एक्स प्लस वाई, करेक्ट। अब अगर आप इनको कुछ पुट कर लें और फिर उधर वाला एक्स इंटू वाई भी उसी टर्म में कन्वर्ट कर लें तो शायद आपकी बात बन जाएगी जी, आइए देखते हैं। हमने सपोज किया दिस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सम यू मान लिया चलो, और एक्स माइनस वाई को हमने वी सपोज कर लिया। अब इस x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से, इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो मेरे पास आ गया 2x इज इक्वल टू यू प्लस वी, तो x का वैल्यू निकल गया u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2, और अगर मैं इन दोनों को माइनस कर लूं तो हमारे पास आ गया 2y इज इक्वल टू यू माइनस वी एंड y इज इक्वल टू यू माइनस सॉरी नॉट वी यू माइनस वी डिवाइडेड बाय 2। आइए इसी फंक्शन को फिर कंसीडर करते हैं। ये फंक्शन अब कन्वर्ट हो गया u और v की टर्म में। अब u और v क्या हैं? उनको आप पुट कर लीजिए जी उस टर्म में। x का वैल्यू आपके पास है u प्लस वी अपॉन 2 और u माइनस वी अपॉन 2 विच इज u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर ओवर 4 नॉट 2 दैट इज 4। इज इट फाइन? यानी आपको देखने लग गया कि यहां पर अगर ये x प्लस वाई एक्स माइनस वाई ना हो करके x और y होते तो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 4 होता जी राइट हैंड साइड। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक।
नेक्स्ट इज एफ, आपके पास एक फंक्शन है आर टू आर, इसे हम पढ़ते हैं एफ इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, इस तरह से अगर लिखा हो तो दैट इज कॉल्ड एफ इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर थ्री एक्स, अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, x का वैल्यू 1 से बड़ा है, 3 के इक्वल है, ग्रेटर है लेस है सॉरी, और x इज लेस देन इक्वल टू 1। ये तीन सिचुएशंस आपके पास हैं, और बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा, फाइंड f माइनस 1 प्लस f 2 प्लस f 4। तो आसान बात है, देखिए केवल सोचना है, फंक्शन का चॉइस करना है कि किस पार्ट को हमको चूज करना है, कहां पर ये वैल्यू आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एफ माइनस वन, एफ माइनस वन का मतलब एक्स का वैल्यू नेगेटिव वन, एक्स का वैल्यू नेगेटिव वन का मतलब एक्स का वैल्यू लेस देन वन वाले पार्ट को ले लेंगे हम, लेस देन वन है तो जब वो लेस देन वन जाएगा तो नेगेटिव वन भी वहां पर आ जाएगा हमारे पास। तो हमने क्या करना है, थ्री और इस x के प्लेस पर माइनस वन पुट करना है, दैट गिव्स यू नेगेटिव थ्री। सेकेंड थिंग आपके पास है एफ ऑफ टू, एफ ऑफ टू का मतलब x के प्लेस पर टू पुट कीजिए। अब टू कहां आता है जी, आप बोलेंगे वो तो वन और थ्री के बीच में आता है, तो उसके लिए हमें एक्स स्क्वायर को लेना होगा जी, और उस एक्स स्क्वायर के प्लेस पर टू पुट कर दीजिए, फोर आ जाएगा जी। नेक्स्ट इज एफ ऑफ फोर, एफ ऑफ फोर का मतलब एक्स का वैल्यू फोर, और फोर होता है थ्री से ग्रेटर, थ्री से ग्रेटर के लिए हमने टू इंटू दिस फोर कितना आ गया एट, अब इन तीनों को हमको प्लस कर लेना है जी। देन नाइन आ गया जी, ठीक है राइट। लेट ए आपके पास एक सेट है 9, 10, 11, 12 एंड 13, आपको सेट ए डिफाइन करके दिया गया, दिस इज सेट ए। अब बोला गया एफ एक फंक्शन, ए से एन की तरफ जाना है जी, एन इज द नेचुरल नंबर, और बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एन is highest prime factor of n, highest prime factor of n, question पूछा find the range of f, आपको find करना है range of f। आइए सॉल्यूशन, आपसे बोला गया हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, और इसका जो डोमेन आपको लेना है फंक्शन का दैट इज फ्रॉम दिस। तो आइए जी हम इस 9 को लेते हैं, इसके प्राइम फैक्टर हम लोग करते हैं जी, तो प्राइम फैक्टर जब हम इसके करेंगे तो वो तो केवल क्या बनेंगे 3 इंटू 3, तो हाईएस्ट कौन हो गया जी, हाईएस्ट इज 3, हाईएस्ट या लोएस्ट जो भी कुछ है दैट इज 3, नॉट अदर। सेकेंड थिंग दिस इज एफ ऑफ 9, उसके लिए प्राइम फैक्टर किया आपने 9 के, और 9 के प्राइम फैक्टर्स आपने करने के बाद उसका हाईएस्ट पॉइंट ले लिया जी। सेकेंड थिंग 10 के लिए निकालिए जी, तो 10 के प्राइम फैक्टर आप करेंगे 2 इंटू 5, तो हाईएस्ट इज
फाइव हेयर, हाईएस्ट इज फाइव। ऐसे ही 11 को लीजिए जी, 11 के प्राइम फैक्टर कीजिए जी, केवल एक ही प्राइम फैक्टर आ रहा है जी, तो हाईएस्ट इज 11 हेयर, आफ्टर दैट 12, 2 × 2 × 3, हाईएस्ट इज 3, एंड लास्टली 13, ओनली 1 × 13, हाईएस्ट इज 13। तो आपने जो डोमेन था विच वॉज फ्रॉम ए, उसे सब्स्टिट्यूट किया और उसका जो आउटपुट निकाला, दैट आउटपुट गिव्स यू द रेंज। दैट इज वाई द रेंज सेट इज 3, 5, 11 and then 30. This is the range set for this problem. Is it fine? All right. आइए और questions हम लोग करते हैं। एफ आर टू आर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन एफ एक्स इंटू एफ वाई माइनस एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, fx into fy minus fxy equals to x plus y for all xy belongs to real number and f1 is greater than 0. आपसे बोला गया prove that f of x is equals to x plus 1. f of x is equal to एक्स प्लस वन। आइए सॉल्यूशन करते हैं जी, थोड़ा सोचते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, एफ ऑफ वन निकालने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, एक्स और वाई के प्लेस पर वन पुट कर दिया जी, पुट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू वन। एक्स और वाई दोनों को वन पुट करते ही हमारे पास एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन प्लस वन, करेक्ट। जिससे क्या आ गया आपके पास, एफ स्क्वायर वन माइनस एफ ऑफ वन और माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब ये तो क्वाड्रेटिक बन गया जी, फैक्टराइज कर सकते हैं हम इसे। अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो एफ ऑफ वन का वैल्यू टू आ जाता है और माइनस वन। आपसे क्या बोला था कि f ऑफ वन इज ग्रेटर देन जीरो, तो डेफिनेटली इस माइनस वन को हमको छोड़ देना चाहिए जी। तो आपके पास सिंस f ऑफ वन इज ग्रेटर देन जीरो, सो f ऑफ वन का रिजल्ट इक्वल टू टू, इसको आप नंबर वन बोल करके छोड़ दीजिए। अब आपको क्या निकालना है, एफ एक्स की टर्म में, इसका मतलब वाई को किसी तरह से गायब करना। हम ऐसा करते हैं, वाई के प्लेस पर वन पुट कर देते हैं और जहां एफ वन आएगा वहां टू पुट कर देंगे, एक्स की टर्म में रिजल्ट आ जाएगा, राइट। आइए जी, पुट वाई इक्वल टू वन, जो गिवन इक्वेशन आपके पास है उसमें वाई के प्लेस पर वन पुट कीजिए, fx into f1 minus x into 1 is equals to x plus 1. All right? तो आपके पास क्या आया, fx इसका वैल्यू 2
माइनस एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस वन, तो कितना आ गया, टू टाइम्स एफ एक्स माइनस वन टाइम एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वन। तो टू टाइम्स एफ एक्स में से वन टाइम एफ एक्स आपने माइनस किया, तो दैट इज एफ एक्स एंड दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। इज इट ओके, राइट? तो प्रूव किया जी ऐसा हमने। आइए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शंस गिवन बाय, एफ आपके पास एक फंक्शन है, एलिमेंट्स उसके जो बिलोंग कर रहे हैं राइट, एंड द सेट एंड द फंक्शन जी 2 5 7 1 8 4 10 13 and 11 -5। क्वेश्चन पूछो फाइंड द डोमेन ऑफ एफ प्लस जी। Find the domain of f plus g। अब देखिए जी f का डोमेन, डोमेन फर्स्ट एलिमेंट को बोलते हैं जी आप, सेकेंड एलिमेंट इज y, x कॉमा y जब ऑर्डर्ड पेयर होता है तो उस ऑर्डर्ड पेयर में x वाला पार्ट दैट इज द डोमेन पार्ट। तो अगर मैं डोमेन पार्ट ऑफ f लिखूं तो दैट इज 2 5 8 and 10, दिस इज द डोमेन ऑफ एफ। एंड डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी 2 7 8 10 11, दिस इज द डोमेन ऑफ जी। अब इन दोनों को प्लस करना है और प्लस करके जो डोमेन आएगी, डोमेन ऑफ एफ प्लस जी में क्या आएगा, all those values या all those elements which belongs to domain of f intersection domain of g। domain of f और domain of g का intersection जो common part जो आता है that is the domain of f plus g। तो common ढूंढ लीजिए जी आप, आपको 2 दिखता है, 8 दिखता है, 10 भी दिखाई देता है, 2 8 and 10, राइट? तो दिस इज द डोमेन ऑफ एफ प्लस जी, ठीक है? तो इस तरह से हम रिलेशंस और फंक्शंस पर भी हमने ये 9 क्वेश्चंस आपके साथ कुछ अलग से डिस्कस किए, और आगे और चैप्टर्स पर भी हम डिस्कस करेंगे, आपके साथ करते रहेंगे। इतना ही इसमें, थैंक यू वेरी मच।